Hello children, this is your English online class. Now today we will read these sentences. इसी sentences को आपको पढ़ना है. A sad sad lady lad. A sad lad. A sad lad. A big big elephant elephant. A big elephant. A thin thin man man. A thin man. A tall tall building building. A tall building. A fat woman fat fat woman woman. A fat woman. A beautiful beautiful beautiful. A beautiful girl. A long rope long long rope rope. A long rope. A hot tea hot hot teat. A hot tea. A sad lad, a big elephant, a thin man, a tall building, a fat woman, a beautiful girl, a long rope, a hot tea. Okay? You have to read these sentences. ठीक है, आपको ये sentences को घर में क्या करना है, read करना है. तो this is your yesterday work. Now come in today's work. Now write the date and class work. Today's date is 19 February 22. Classwork and dictation word. We will write some dictation word. You have to learn it. आपको उन words को क्या करना है? Learn करना है. ठीक है? The first word is milk. Milk. Second, park. Park. flower flower. kite kite. gift gift. school school. leaf leaf. star star. home home. 10 नंबर को उसी पेज में हम यहां लिखेंगे 10 नंबर. back back. 11 nose nose. और लास्ट girl. girl. ठीक है. milk, milk, park, park, flower, flower, kite kite, gift, gift, school, leaf, star star, home, back, bag, nose nose, girl. ठीक है, ये सारे डिक्टेशन वर्ड्स आपको क्या करने हैं, इन सारे वर्ड्स को आपको लर्न करने हैं. ठीक है, नाउ चिल्ड्रेन कम इन अनदर पेज, राइट द डेट एंड क्लास वर्क एंड दिस इज योर रिवीजन वर्क आल्सो. यहाँ पर हम रिवीजन भी लिख लेते हैं. इसके पहले हम लोग ने डूइंग वर्ड्स किए हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि जो काम हम कर रहे हैं वहाँ पर हम, जो काम हो रहा है वहाँ पर उसको डूइंग वर्ड्स बोलते हैं और वर्ड के बाद में आई एन जी लगाते हैं. THE the bird is dash in the sky. अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में FLY fly, मतलब बर्ड जो है वो आसमान में उड़ रहा है, fly लिखा हुआ है, तो इसी वर्ड को हम यहाँ लिखेंगे और लास्ट में ing लगाएंगे. FLYING flying. The bird is flying in the sky. जो वर्ड ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसी वर्ड को हम लिखेंगे और लास्ट में ing भी लगाएंगे. RIA is dash a song. यहाँ पर लिखा है SING sing. तो SING सिंह को हम फिर से लिखेंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, ING. रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग. राम इज डैश एन एप्पल. यहाँ पर EAT लिखा हुआ है. ठीक है, तो EAT को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे और ये डूइंग वर्ड से, मतलब वो खा रहा है, तो ING भी लगाएंगे. राम इज ईटिंग एन एप्पल.
माय मदर इज डैश फूड, मेरी मम्मी खाना पका रही हैं। सी डबल ओ के कुक लिखा हुआ है, तो सी डबल ओ के कुक हम ही लिखेंगे। मम्मी खाना बना रही है, इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी को भी लगा दिया। आईएनजी लगाना आपको नहीं बोलना है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, सी आर वाई क्राई। देखिए सी आर वाई क्राई को मैंने यहाँ फिर लिखा और यहाँ पर मैंने आईएनजी लगाया। शी इज डैश विथ डॉल, शी इज प्ले मतलब खेल रही है, तो खेल रही है, पी एल ए वाई प्ले को हम लिखेंगे और यहाँ पर आई एन जी को भी फिर से लगा देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज योर टुडेज वर्क। थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।